जिससे सब कुछ खरीदा जा सकता है। तो यहाँ शालीनता का परिचय देना है, मां शालीनता भी। तो आप हवन कुंड के चारों ओर एक शीतलता का घेरा बनाएंगे और इसका परिणाम क्या होगा, शांति दायक होगा। दो बूंदी गिरी कोई बात नहीं, प्रतीकात्मक है। तो पहले पूर्व, फिर पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, प्रत्येक बूंद के चारों ओर मंत्र भी बोला जा रहा है, मंत्र के साथ में आपको बड़ा बोला है। हाँ, थोड़ा सा जल ले लेंगे एक चम्मच और मंत्र पूरा निशान बोले, ओम पूर्वे हवन कुंड के पश्चिम में दो बूंद गिरा रहे और सरस्वती देव पे उत्तर दिशा में ओम देव सरस्वती देव तुगति महाराज डिप्पो बंदर में केतु केतम ने अपना आत्मा से पति वाचन ने करते हैं तुलसी करते हैं चार तरफ दो तक मिला छोटी। तो आपने एक सीतांता का घेरा बनाया, इसका परिणाम शांतिदायक होगा। अब फिर आ जाइए, अब आपको सात आहुतियां यह भगवान को बड़े प्रेम से देनी है। ये घी क्या है, प्रेम का प्रतीक है। तो आपके पास पात्र में कटोरी में घी रखा होगा और एक गोल सुवा वाला पात्र है जिसमें छेद हो रहा है, तो सात आहुतियां एक भगवान को समर्पित करनी है। सात देवता कौन कौन से करना चाहेंगे, बोले भगवान की जय, भगवान की जय, प्रजापति मानी परमेश्वर को।